ग्रहों की दुनिया भी बड़ा अजीब होती है, जिसे समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। हालांकि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों के बारे में कुछ न कुछ जानकारी हमारे पास जरूर है। आज हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। वैसे तो मंगल भी पृथ्वी की तरह एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, जहां ज्वालामुखी से लेकर घाटियां, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियां हैं, लेकिन इस ग्रह पर इंसानों का रहना नामुमकिन है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसे ही अलग अलग कई मौसम हैं, क्योंकि पृथ्वी की तरह ही यह भी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, लेकिन यहाँ हर मौसम का समय धरती की तुलना में दो गुना होता है। मंगल का अपनी धुरी पर झुकाव 25.19 डिग्रीज है। इस ग्रह का व्यास लगभग 6,791 किलोमीटर है। पृथ्वी से देखे जाने की तुलना में सूर्य का आकार मंगल से लगभग आधा ही दिखाई देता है। मंगल के दो चंद्रमा उपग्रह हैं, उनके नाम डीमोस और फोबोस हैं। मंगल ग्रह के चंद्रमाओं की खोज 1877 में आसफ हॉल नामक एक अमेरिकी खगोलशास्त्री द्वारा की गई थी। फोबोस चंद्रमा मंगल ग्रह के बहुत करीब है। वैज्ञानिकों का मानना है गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक दिन फोबोस ग्रह से टकराकर बिखर जाएगा और इसके मलबे शनि ग्रह के छल्लों की तरह मंगल के चारों ओर एक छल्ले का निर्माण करेंगे। मंगल ग्रह से सूर्य की दूरी लगभग 1410 लाख मील है। अब तक मंगल ग्रह के सभी अभियानों में से केवल 1/3 ही सफल रहे हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी सतह लाल है। मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण यह है कि इसकी सतह पर भारी मात्रा में लोह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसे हम आमतौर पर लोहे में लगने वाले जंग के रूप में जानते हैं। इसी की वजह से ही मार्स का रंग लाल दिखाई देता है। अगर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों की हम बात करें तो हमें पृथ्वी पर इन किरणों से जितनी सुरक्षा मिलती है, मार्स पर ऐसी सुरक्षा नहीं मिलती। मार्स में तापमान मौसम के अनुरूप बदलते रहते हैं। यहाँ पूरे वर्ष तापमान -140 डिग्री सेल्सियस से 70.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ मौसम कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। यहाँ धूल और हवा के भयंकर आंधी तूफान और छोटे छोटे बवंडर भी आ सकते हैं। ये तूफान कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सन 2001 में धूल के एक विशाल तूफान ने कई दिनों के लिए पूरे ग्रह को ही ढंक लिया था। जब ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक आता है तब ऐसे तूफान और बढ़ जाते हैं। क्या मंगल पर गुरुत्वाकर्षण है? हाँ, लेकिन कम द्रव्यमान मास की वजह से इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। यदि किसी व्यक्ति का वजन धरती पर 45 किलो है तो मंगल पर उसका वजन केवल 17 किलो होगा। क्या मंगल पर ऑक्सीजन है? हाँ, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। मार्स के वातावरण में केवल 0.13% ही ऑक्सीजन है। यहाँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 95.32%, नाइट्रोजन 2.7%, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.08% मौजूद है। यदि आप बिना स्पेस सूट के मार्स पर खड़े होंगे तो तुरंत आपकी मृत्यु हो जाएगी। मार्स की धरती के मुकाबले सूर्य से दूरी 1.5 गुना 50% अधिक है। सूर्य से दूर होने के कारण यहाँ का तापमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है। मंगल पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग एक तिहाई है, जिसका अर्थ है कि आप यहाँ धरती की तुलना में 3 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं। मंगल पर एक साल का समय पृथ्वी के 687 दिन के बराबर होता है। मैरिनर 9 उपग्रह को 30 मई 1971 को लॉन्च किया गया था, जो कि 13 नवंबर सन 1971 को मंगल पर पहुंचा और आधिकारिक तौर पर मंगल की कक्षा में जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह बन गया। जब मैरिनर 9 मंगल की कक्षा पर पहुंचा तब वहां धूल की भयंकर आंधी आई हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा तूफान पहली बार देखा गया था। इस तूफान से उड़े धूल को शांत होने में कई महीने लग गए थे, जिसकी वजह से मैरिनर 9 को देर से तस्वीर खींचने के लिए धरती से रिप्रोग्राम करना पड़ा था। मैरिनर 9 मंगल ग्रह की सतह का 100% मानचित्र तैयार करने में सक्षम था और उसने मंगल के चंद्रमाओं फोबोस और डीमोस की पहली नजदीकी तस्वीरें ली थी। 349 दिनों तक मंगल की कक्षा में रहकर इसने मंगल की 7329 तस्वीरें ली। इन तस्वीरों में मंगल पर पानी के स्रोत, गड्ढे, विशालकाय ज्वालामुखी, कोहरा, पानी और हवा की वजह,
से बने चंद के निशान आदि देखे जा सकते हैं। मंगल पर पूरे सौर मंडल का अब तक का सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखा गया है, जिसे ओलंपस मॉन्स नाम दिया गया है। ओलंपस मॉन्स का आकार 27 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर चौड़ा है। वाइकिंग 1 और 2 सन 1976 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला मंगल मिशन है। क्या आपको पता है मार्च महीने का नाम मास से लिया गया है? मंगल ग्रह से पृथ्वी और चंद्रमा नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, जो कि किसी तारे की तरह दिखाई देते हैं। मंगल ग्रह से आसमान का रंग सूरज उगने और ढलने के समय नीला और दिन में पीला नारंगी दिखाई देता है, यानी यहां आसमान का रंग धरती से जैसा दिखता है ठीक उसके विपरीत होता है। क्या मंगल में पानी है? हाँ, लेकिन ज्यादातर पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है और कुछ मात्रा में यह भाप के रूप में भी वहाँ के वातावरण में मौजूद है। मास पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। हालांकि माना जाता है कि आज से लगभग 4 अरब साल पहले यहां भी पृथ्वी की तरह चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते थे। पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी बदलती रहती है क्योंकि इसकी कक्षा ऑर्बिट गोल नहीं बल्कि अंडाकार है। बृहस्पति ग्रह जुपिटर प्लैनेट मास की कक्षा में बदलाव कर सकता है। क्या आपको पता है गैलीलियो गैलीली ने 1609 में एक साधारण दूरबीन से मंगल ग्रह का अवलोकन किया था। 2030 के अंत तक नासा द्वारा मंगल पर एक स्वतंत्र कॉलोनी बनाने की योजना है। बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र ग्रह को भी यहां से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। हाल ही में नासा JPL के मार्स ऑर्बिटर द्वारा मंगल की सतह पर कृमि जैसी एलियंस को देखा गया है। यह अंतरिक्ष यान पिछले 11 वर्षों से मंगल की परिक्रमा कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक ने मंगल पर पौधों को उगाने की कोशिश की है? हाँ, और वे टमाटर, मटर और राई उगाने के अपने प्रयास में सफल भी रहे हैं। अब लगता है वह दिन दूर नहीं जब इंसान मंगल पर अपनी जिंदगी बिताएगा। मंगल ग्रह का रहस्य माया सभ्यता का हजारों सालों पहले हमारी धरती पर वास था। माया सभ्यता मानव इतिहास के रहस्यमय सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, मगर क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गए। माया सभ्यता को प्राचीन खगोलीय ज्ञान था और उन्होंने विभिन्न घटनाओं को, धार्मिक त्योहारों को और जन्म मरण का रिकॉर्ड रखने के लिए पंचांग बनाया, जिसे माया कैलेंडर कहते हैं। उनका कैलेंडर मंगल ग्रह के चांद पर है और माया के खगोल शास्त्र में भी मंगल ग्रह को महत्व दिखाई देता है। माया सभ्यता ने हजारों साल पहले माया काल के मृतकों के माध्यम से बताया गया कि मंगल ग्रह कैसे तबाह हुआ। उन्होंने पहेली में वैसा ही दिखाया जैसे हमारे आज के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह कैसे तबाह हुआ इसकी खोज की है। माया सभ्यता ने उस जमाने में ऐसी खोज कैसी की होंगी? क्या पृथ्वी पर मंगल के जीव आते जाते रहते होंगे?